11 करोड़ रुपए की लागत राशि से 19 एकड़ रकबा में विकसित हो रहे ऑक्सीजन जोन का शुभारंभ कर रहे हैं और ये तीसरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी रायपुर से। और इसके प्रथम चरण में 12 एकड़ में अभी तक 4 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर 75 प्रजातियों के 4000 से अधिक पौधे लगाए जा रहे हैं। और साथ ही ऑक्सीजन में 503 पुराने वृक्षों को संरक्षित किया जा रहा है और यहाँ पार्किंग पाथवे वाटर बॉडी में आने वाले पेड़ों को भी नहीं काटा गया है। इसके अलावा यहाँ दो वाटर बॉडी है जिसमें से एक प्राकृतिक और दूसरी निर्मित की गई है और वर्षा का सारा पानी चैनल से बांधकर उसमें इकट्ठा होता है और इससे पौधों की सिंचाई की जाती है। और साथ ही एक प्राकृतिक वाटरफॉल बनाया गया है जो रात में लाइट्स में बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं जहां ऑक्सीजन का शुभारंभ किया जा रहा है और ये ऑक्सीजन बनाया जा रहा है जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम कार्यकर्ता उनके साथ में मौजूद हैं। तो 75 प्रजाति के पेड़ यहाँ पर लगाए जाएंगे जिनकी संख्या लगभग 4000 होगी और 503 पुराने वृक्षों को भी संरक्षित किया गया है। पुराने पेड़ थे उनको भी काटा नहीं गया है और 75 प्रजातियों के 4000 से अधिक पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए जाएंगे और ये उसी का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं और उसको नाम दिया गया है ऑक्सीजन, जिसका शुभारंभ कर सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से एक एक कर पौधे लगाए जा रहे हैं जहां भूपेश बघेल के साथ और भी लोग हैं और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है और साथ ही प्रशासन की व्यवस्था भी चाक चौबंद देखी जा रही है। और छत्तीसगढ़ की एक अच्छी पहल इसे कह सकते हैं। वक्त